हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सत्ता की सहयोगी जेजेपी आमने सामने हैं। बेशक दोनों की प्रदेश में मिली जुली सरकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि वक्त के साथ दोनों पार्टियों में अब खटास पैदा हो रही है। यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि नगर परिषद के चुनावों में बीजेपी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज निर्णय किया गया है कि नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी नगर परिषदों में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सैद्धांतिक फैसला लिया गया है। नगर पालिका और वार्डों के चुनाव जिला इकाई पर छोड़ेंगे। जो जिला इकाइयां नगर पालिका में सिंबल पर जाना चाहती है उनको सिंबल की अनुमति देंगे और इसी तरह से सभी वार्डों में जहां जहां जिला इकाई सिंबल पर जाना चाहती है उनको सिंबल पर जाने की अनुमति देंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान जेजेपी को शायद रास नहीं आ रहा, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो निकाय चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे। तो बीजेपी का ये फैसला जेजेपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको ये मालूम हो कि हरियाणा में अगर बीजेपी अपना शासन चला रही है तो इसमें जेजेपी का बड़ा हाथ है, लेकिन अब वक्त के साथ दोनों की राहें अलग हो रही हैं। हालांकि अभी पूरे तौर पर दोनों पार्टियां अलग हो गई हैं, ये कहना सरासर बेईमानी होगी क्योंकि अभी जेजेपी ने कोई भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी अब उम्मीदवारों का चयन करने में जुट गई है, जिसको लेकर 1 जून को पंचकुला में बैठक होगी। व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी। पार्टी का ये निर्णय 1 तारीख को पार्टी की इलेक्शन कमेटी की बैठक, चुनाव समिति की अगली मीटिंग पंचकुला कार्यालय पर होगी और जिसमें इस प्रकार का निर्णय किया जाएगा। उससे पहले हर जिले में एक पर्यवेक्षक भेजने का निर्णय किया है। जिले की जो हमारी टोली है उसके साथ हमारे पर्यवेक्षक बैठेंगे। उस टोली में उस जिले के पालक, उस जिले के प्रभारी, उस जिले के अध्यक्ष, उस जिले से जुड़े हुए सांसद और जहां का चुनाव है वहां के विधायक और 2019 के कैंडिडेट और जिनको चुनाव प्रभारी लगाया हुआ है इनसे राय मशवरा करेंगे 30 और 31 तारीख को, और उसके बाद वो रिपोर्ट लेकर पंचकुला पहुंचेंगे जिसमें अंतिम निर्णय किया। बता दें कि हिसार में 2 दिन से चली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बीजेपी नेता शामिल हुए, जिसमें निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक में पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा के अलावा नए कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई।